उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में 2 और शव निकाले गए हैं। इसके साथ ही अब तक सुरंग से 40 शव निकाले जा चुके हैं। सबसे पहले 38 का ये आंकड़ा पार कर चुका था और अब 2 और शव निकालने की खबर आ रही है। 7 फरवरी से तपोवन के जिस टनल पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है उस जगह से बुरी खबर आई है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। हादसे के बाद अब तक 40 शव निकाले जा चुके हैं। लगातार चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। NDRF SDRF की टीम लगातार वहां बनी हुई है। सुरंग में दोबारा शुरू हो गई है ड्रिलिंग। मौसम को देखते हुए टनल में फिर से रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है और अब तक वहां से निकलने वाले शव का आंकड़ा 40 तक पहुंच चुका है। आपको बता दें उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन में हफ्ते भर पहले यह हादसा हुआ था जिसमें राहत और बचाव का काम अभी चल रहा है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।